चलिए तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सेल कस्टमाइजेशन एंड शॉर्टकट्स का पहला टॉपिक है, जनरल इंट्रो वगैरह या एक्सेल सेटिंग का एक मैं आपको डेमो दूंगा। योगेश जी यहाँ ब्लैंक ही है, उस पर अभी मैंने कुछ किया नहीं है। तो इस पे आपको थोड़ा सा मैं इंट्रो देता हूँ। जैसे हम एक्सेल में जो कुछ हमारी शुरुआती क्लासे हैं वो थोड़ी स्लो चलेंगी, क्योंकि कोई चीज कुछ चीजें इसमें ऐसी होंगी जो आप लोग जानते होंगे और कुछ चीजें होंगी नहीं जानते होंगे। पर एक्चुअली मुझे तो पता नहीं है कि आप लोग कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते। तो मैं आपको थोड़ा सा एडवांस और मीडियम लेवल मिला के चलूंगा, ताकि हमारे साथ हर एक को क्लियर होता रहे कि मैं क्या बताने वाला हूँ। ठीक है जी, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सेल की लिमिट्स क्या क्या हैं। एक्सेल लिमिट के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए? जब हम जैसे हमें अपने यहाँ पे इसको बोलते हैं सेल, जो आपको सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है जिससे अराउंड कर्सर मूव कर रहा है, ये हमारा सेल होता है। ठीक है जी, ये हमारे कॉलम होते हैं, ये कॉलम ABCD कॉलम 1 2 3 4, ये रोज होती है। हर बढ़ते वर्जन के साथ इनके रो की संख्या जो है बढ़ती जाती है। जैसे इसमें 10,48,000 है, तो इसी तरह ये एक्सेल अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता है, हर एक वर्जन में अपने कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो वो क्या लिमिट है बढ़ गई है? जब हमारे पास छोटा मोटा डेटा है, हम नॉर्मल रिपोर्ट फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं, तो इसकी खास जरूरत नहीं पड़ती। पर हम किसी एडवांस लेवल पे कोई चीज करना चाहते हैं, कोई बड़ा डेटा आ जाता है हमारे पास, तो क्या लिमिट है? अगर हम इसको ना जाने तो हम वो उस काम में दिक्कत आ सकती है, और क्यों आई हमें ये चीज नहीं पता होती कई बार। तो इसकी कुछ ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ। हम F1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से F1, और यहां पे डालेंगे एक्सेल लिमिट। एक्सेल स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट, यहाँ पे आपके सामने कुछ हमारा ओपन वर्कबुक कितनी हो सकती है, एक बस जस्ट आपको एक बार पढ़ लेना है, या कभी आपको इस चीज की जरूरत पड़े तो आपको कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। खाली आप पढ़े ना, आप पढ़ लें तो बढ़िया ही है, ना भी पढ़े तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता इससे। और जब आपको एक आपके माइंड में इंस्टेंस क्रिएट कर दे रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह की कभी जरूरत पड़े तो आपको कहाँ देखना है। ठीक है जी, कॉलम वेट जैसे 255 कैरेक्टर हो सकती है, रो हाइट अलग अलग, पेज ब्रेक कितना हो सकता है, कितने कैरेक्टर एक सेल कंटेन कर सकता है, इस तरह की कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। ठीक है जी, डेट फॉर्मेट क्या सपोर्ट करता है, पाइवट टेबल की लिमिटेशन, और इस तरह से कुछ छोटी मोटी जानकारी है। अब चलते हैं अपने थोड़े से काम की जानकारी की तरफ। आप शॉर्टकट्स एक्सेल में यूज करते हैं सारे के सारे, कैसे करते हैं? हमारे पास शॉर्टकट्स के किसी की बहुत अच्छी कमांड होती है और किसी की बिल्कुल कमांड नहीं होती है। हमें शॉर्टकट क्यों यूज करना चाहिए? पहला सवाल, हमें शॉर्टकट यूज क्यों करना चाहिए? शॉर्टकट हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारी जो एफिशिएंसी है इसके शॉर्टकट्स के थ्रू बढ़ जाती है। किसी का माउस हो सकता है बहुत तेज हो, हम यहाँ पे जाके कोई भी फंक्शन सिलेक्ट करना है, फिल्टर लगाना है, डेवलपर में गए या जो भी काम किया, इधर उधर चले गए, पर हम मोस्टली हमारी माउस की स्पीड से ज्यादा हमारी कीबोर्ड की टाइप करने की स्पीड होती है, कीबोर्ड चलाने की स्पीड हमारी ज्यादा होती है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें होती है इसमें। अब हमें शॉर्टकट्स कहाँ से ढूंढने हैं?
पहली बार हम जब किसी भी ऑप्शन के ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे स्क्रीन टिप आती है, ये स्क्रीन टिप आ रही है आपके सामने, इसमें मोस्टली आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं इनके। ठीक है जी, इस तरह से आपको कुछ शॉर्टकट्स दिखते हैं। अब पर कई थी कुछ कुछ ऑप्शंस के हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, उनके लिए कैसे शॉर्टकट करें? हेलो हेलो संदीप जी। हाँ जी संदीप जी। हाँ जी हाँ जी। हेलो, बाकी लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए म्यूट कर रहे हैं आपको। अपने अपने आप सब माइक माइक मैं म्यूट कर देता हूँ सबकी। हेलो। हाँ जी हेलो मिस्टर संदीप। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं पहले बताइए, नाम बताइए, अभी तो मैं किसी को पहचान नहीं पा रहा हूँ। मिस्टर संदीप। हाँ जी हेलो, हेलो मिस्टर संदीप। हाँ जी हाँ जी, संदीप ही बोल रहा हूँ, आगे बोलिए। नाउ डिस्कनेक्टेड है, कनेक्शन हो गया ना? हाँ कनेक्शन कनेक्शन हो गया सर। हेलो, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ संदीप जी। हाँ जी हेलो। हाँ जी विनोद जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, आप बोलिए। नो नो क्लास स्टार्टेड। यस यस यस, ठीक है विनोद जी। ऑनलाइन हो गया? हाँ हो गया, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? हेलो हेलो। स्क्रीन देख रही है? अच्छा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो हेलो हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो मिस्टर, हेलो विनोद जी, ऑफलाइन। विनोद जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर सुन पा रहा हूँ। हाँ ठीक है जी, अब तो आप इसको ना म्यूट कर लीजिए ताकि मैं क्लास कंटिन्यू कर सकूं, ठीक है, पीछे से डिस्टरबेंस ना आए। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन होगा तो आप माइक अनम्यूट करके आप मेरे से बात कीजिएगा। ठीक है जी, अभी क्या करूं? मैं म्यूट कर देता हूं आपको। मैं म्यूट कर रहा हूं आपका माइक जो है, अगर आपको कोई मतलब आपको बात करनी होगी तो मेरे को चैट के थ्रू इशारा कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक। ठीक है जी, ताकि बैकग्राउंड वॉइस डिस्टर्ब ना करे क्लास में। ठीक है जी, ठीक है सर। ओके, तो हम आज के टॉप चर्चा कर रहे थे कि हम शॉर्टकट्स में क्या क्या होता है, हमारे शॉर्टकट्स जिन चीज के हमें पता नहीं है उनको कैसे हमें नॉलेज होगी कि हम कहाँ से ढूंढेंगे उनको। तो जिस तरह से हमने वो एक्सेल लिमिट्स का पता लगाया था, उसी तरह से हम F1 प्रेस करेंगे और शॉर्टकट्स टाइप करेंगे। कीबोर्ड एक्सेल शॉर्टकट्स एंड फंक्शन की, यहां पे हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज है। मेरा आपको सबके लिए यही है कि आप इसको एक बार रीड कीजिए और अपने जो शॉर्टकट की एफिशिएंसी है उसको बढ़ाइए। जैसे कि कोई चीज मैं करता हूँ, यहाँ पे आपके पास ना हर एक चीज का अवेलेबल होगा, मैं हर एक को, जैसे कंट्रोल पेज अप होता है हमारे पास, हमारे जो शीट बदलने के लिए होता है कंट्रोल दबा के हम पेज अप पेज डाउन के जरिए इसको माउस से कीबोर्ड के जरिए ही कर सकते हैं। ये थोड़ी सी जनरल चीज है पर मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि
कई बार हमें पता होती है, हम उसके बाद भी नहीं करते। तो ये चीज हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस में ले आए उतना बढ़िया रहता है। इसमें काफी आपको नई चीजें भी मिलेंगी, क्योंकि विंडो 2007 है, हमारी विंडो के जो कई शॉर्टकट्स हैं वो भी बदल चुके हैं अब से लेकर अब तक। कई नए शॉर्टकट आए हैं, आप उसको दोबारा से सर्च कीजिए, ऐसी तरह से विंडो में आप बाहर जाके शॉर्टकट वगैरह पता लगा सकते हैं। कुछ नए आए होंगे इसमें, कुछ एडिशन हमेशा रहता है हर वर्जन में। तो इसमें ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, पर आपको काम की चीज़ ये बता देता हूँ कि आपको शॉर्टकट बनाने कैसे हैं। जैसे मतलब नहीं पता है वो आपको कैसे पता करने, जैसे हमारे कुछ शॉर्टकट चलते हैं आल्ट की से, कंट्रोल आल्ट डिलीट करते हैं ना, तो आल्ट की आपकी विंडो की के बगल में होती है। मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूँ, ये वाली जो की होती है हमारी वो आल्ट की होती है, ठीक है जी। अब जब आप इसको एक बार प्रेस करेंगे, यहाँ पे तो कुछ, हाँ यहाँ इसको करके इसके थ्रू नहीं चलते, वहाँ चल रहा है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे होम के लिए एच आ गया, इंसर्ट के लिए एन आ गया, पेज लेआउट के लिए पी, फॉर्मूला के लिए एम, ए, और ये जो हमारा राउंडेड शेप में है वो ऑफिस बटन, उसके लिए एफ है। तो हम जैसे सिंपल सा हमें यहाँ पे कलर फिल करना है कोई, या माफ कीजिएगा बॉर्डर देना है ये वाला, तो आल्ट दबाया था मैंने एच, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, इनके नीचे बोल्ड करना है 1 2 3 B H, बॉर्डर के लिए B, मैं B प्रेस करूंगा, ऑल बॉर्डर जनरली यूज करते हैं A, तो यानी कि मुझे ऑल बॉर्डर कहीं भी देना है। तो इसके लिए मुझे ज्यादा देर नहीं लगी किसी भी चीज में, तो यहां से मर्ज करना है इसी तरह, मैं इसको शॉर्टकट के थ्रू बड़े ही आराम से कर सकता हूँ। बस इसमें क्या करना है, पहली बार मुझे एक्सप्लोर करना है कि हर एक ऑप्शन में क्या क्या होते हैं। एक दो बार करूंगा तो मेरे अपने आप बैठते चले जाएंगे दिमाग में, आगे से वो हैबिट बन जाएगी मेरी। जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या करते हैं, Alt F W V, और पेज ब्रेक प्रीव्यू के लिए आज Alt V P, Alt V एंड नॉर्मल के लिए। ये तो बात रही Alt की वाले कॉम्बिनेशंस की, तो Alt की प्रेस करके छोड़ देते हैं, देन H दबाया हमने, F दबाया, ये भी आपके कीबोर्ड शॉर्टकट्स वाले जो लिमिट निकाल के दी थी उसके अंदर भी ये चीज है। तो ये चीज इसमें आप हर एक चीज का अपना शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे प्रिंट एरिया हमें देना पड़ता है, हमें Alt पेज लेआउट और प्रिंट टाइटल्स आई, एक बार फिर देखिए Alt P I। अब डायलॉग बॉक्स के थ्रू जैसे ये हमारे पास खुल के आया पॉपअप बॉक्स में, ये कैसे इसमें कैसे करेंगे, जैसे हमें टैब, इनको कहते हैं टैब, टैब नेविगेशन के लिए हम कंट्रोल प्लस टैब यूज करते हैं, टैब की रिवर्स आना है कंट्रोल शिफ्ट टैब। मान लीजिए लैंडस्केप करना है, तो यहाँ पे हमारे पास पोर्ट्रेट में जैसे T अंडरलाइन है, लैंडस्केप में L अंडरलाइन है, एडजस्ट में A अंडरलाइन है, फिट टू पेज वाइजली में F अंडरलाइन है। तो इन पे जाने के लिए हमें Alt की जो है प्रेस रखते हुए उस की को दबाना है, L दबाया मैंने, F दबाया फिट टू वन पेज, Z दबाया साइज के लिए, या मुझे माउस हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं इनके थ्रू मूव कर सकता हूँ। Alt दबा के रखते हुए, इसमें बस ये ध्यान रहना है जब हमारे पास डायलॉग बॉक्स है तो हमें Alt दबा के रखते हुए इस अंडरलाइन की को दबाना है। इनमें क्या करना है, बाहर वाले में आप Alt को एक बार प्रेस करके छोड़ सकते हैं, देन कोई भी करेक्टर प्रेस कर सकते हैं, पर किसी डायलॉग बॉक्स में Alt दबा के रखना पड़ता है।
ठीक है, जैसे कैटेगरी में जाना है, ये नेविगेशन कर सकता हूँ मैं। टैब चेंज के लिए मैम आप बोल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, म्यूट अनम्यूट करके आप बोल भी सकते हैं। अब बोल तो मैं टैब की एक बार टैब नेविगेशन जो हम करते हैं कंट्रोल की प्रेस करते हुए, प्रेस रखते हुए टैब दबाते हैं, टैब की कैप्स लॉक के ऊपर टैब की होती है, हम उसको दबाते हैं तो ये टैब नेविगेशन होती है। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपकी रिवर्स आएगी। आगे अंदर का कुछ भी हमें चलाना है, जैसे एन के नीचे अंडरलाइन, अंडरलाइन कैरेक्टर्स के लिए आल्ट की प्रेस रखते हुए आप जैसे कलर लेना है मैंने सी अंडरलाइन, उसके बाद आपने एरो की से चला सकते हो। समझिए शिफ्ट शिफ्ट के साथ जो आपने टैब बताया उससे क्या होता है? शिफ्ट के साथ सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट, शिफ्ट से रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है सर। अब चलिए शिफ्ट के यूज को मैं बाहर समझाता हूँ। एक आपने भी मैं एक आपको आपने ऑल्ट टैब बताया था, दूसरा शिफ्ट टैब बताया था। ऑल्ट ऑल्ट टैब शिफ्ट से तो आई थिंक आपने बोला था कि टैब को नेविगेशन कर सकते हैं। नहीं, ऑल्ट टैब नहीं सर, मैंने कंट्रोल टैब बताया था। तो सर जी हाँ कंट्रोल, कंट्रोल टैब, यस हाँ कंट्रोल टैब एंड कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी प्रेस कर दिया मैंने और देन टैब दबाया तो वो रिवर्स ऑर्डर में चलने लगा। ये कंट्रोल टैब शिफ्ट के साथ रिवर्स ऑर्डर में चल गया, ठीक है जी। अब रिवर्स ऑर्डर में कैसे चलता है हमारे शिफ्ट को और समझते हैं कैसे होता है। मान लीजिए हमारी एरो की खराब हो गई, हम मूव नहीं कर पा रहे कर्सर, यहाँ पे हम कर्सर मूव कर रहे हैं सर, तो एरो की हमारी खराब हो गई, अब कैसे करेंगे हम यहाँ पे मूव। यहाँ पे देखिए हमें नीचे जाना होता है, कोई भी वैल्यू एंटर करके हम एंटर प्रेस करते हैं तो नीचे नीचे जाते रहते, ठीक है जी। शिफ्ट आप प्रेस कीजिए देन एंटर दबाइए, आप ऊपर जाने लगेंगे रिवर्स ऑर्डर में। टैब की जब आप प्रेस करते हैं तो आप आगे जाते हैं, शिफ्ट के साथ जब टैब प्रेस करेंगे तो पीछे जाएंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे तो रो सिलेक्ट होगा, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो कॉलम सिलेक्ट होगा। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस में सारा का सारा सिलेक्ट होगा। कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल के जैसा हमारा कंट्रोल शिफ्ट स्पेस भी काम करता है, ठीक है जी। नई शीट के लिए शिफ्ट F11, नई शीट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट F11, फनी शिफ्ट। तो इस तरह के कुछ हमारे पास शॉर्टकट कीज होती हैं जिसको हम प्रैक्टिस करके अपना मतलब हाथ तेज कर सकते हैं और बाकी सामने वाले की नजर में भी अलग ही पहचान रहती है हमारी। कहीं इंटरव्यू में जाते तो सबसे पहले हमारा हाथ देखा जाता है कि कैसा चलता है, बाकी देखते हैं थोड़ा सा। इसमें बहुत सारी यूजफुल चीजें हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी नई चीजें जानेंगे, ठीक है जी। अब चलते हैं कुछ शॉर्टकट्स, तो मैंने आपको बता दिया कुछ कस्टमाइजेशन के, कुछ आपके जनरल फीचर जो आपके ऊपर ही अवेलेबल हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये प्लस और माइनस के साइन है, ये जूम करने के लिए हमारे पास, डिक्रीज जूम करने के लिए, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास व्यूज अवेलेबल है, यहाँ आप मेरा माउस कर्सर देखिए, नॉर्मल व्यू होता है अपना, ये पेज पेज लेआउट व्यू है, पेज ब्रेक व्यू है, आप व्यूज यहां से चेंज कर सकते हैं। ये हमारा मैक्रो के लिए होता है, कोई मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे दिखा रहा है,
नई शीट आप यहाँ से ऐड करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे आपके हाइड एंड हाइड प्रोटेक्ट के ऑप्शन आते हैं। ये मैं आपको बाकी डिटेल में समझाऊंगा, अगर इनमें कोई खास चीज होगी तो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। अब हम चलते हैं थोड़ा सा हमारे सेटिंग्स के लिए, एक्सेल की सेटिंग्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब जैसे सबसे पहले चीज होती है हमारे पास यहाँ पे, जैसे आप मेरे एक्सेल में जो है मेरे पास यहाँ पे डेवलपर टूल बार आ रहा है, ये मैक्रो वगैरह वीबीए के लिए होता है। तो हम एक्सेल फाइल बटन पे, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास शो डेवलपर टैब इन रिबन है, इसको जब चेक करेंगे तो हमारे पास डेवलपर टैब अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है जी, बाकी ऑप्शन बता देता हूँ कुछ यूज, मैं इसमें से वही ऑप्शन आपको बताऊंगा जो यूजफुल होंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा है उसमें आपके ज्यादातर कोई काम के नहीं है। जैसे शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, मिनी टूल बार क्या होती है, जैसे हमने कुछ टाइप कर दिया और इसमें जब हम कुछ इस पे सिलेक्ट करते हैं तो एक ये छोटी सी टेक्स्ट की टूल बार बन के आ रही है, तो इसको कहते हैं मिनी टूल बार। अगर आपको डिसेबल करना हो या कभी गायब हो गई है, ये चीज नहीं आ रही है, तो इनेबल आपका यहां से होगा, शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, इनेबल लाइव प्रीव्यू। अब लाइव प्रीव्यू क्या होता है हमारा, हम क्या करते हैं कभी यहां से कलर जाते हैं, आपको लाइव चेंजेस दिख रहे हैं यहां से, जो मैं कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ इस पे तुरंत हो जा रहा है, यहां से फॉन्ट मैंने सिलेक्ट नहीं किया है पर यहाँ पे अपने आप बढ़ के दिखा रहा है, इस चीज को कहते हैं हम लाइव प्रीव्यू। तो अगर आपका कभी ये नहीं हो रहा हो तो वो इस ऑप्शन के अनचेक होने की वजह से होता है, तो आप करेंगे तो आपको कोई चेंजेस नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, कोई गड़बड़ी हो जाती है ऐसी जो हम नहीं ठीक कर पाते, तो उन सारे सवालों के जवाब आपको एक्सेल ऑप्शन के अंदर मिलेंगे। अब जैसे कलर स्कीम है, मैं इसको सिल्वर कर सकता हूं, एक्सेल मेरा बदल गया, अलग कलर का हो गया। आप इसमें अपना एक डिफॉल्ट फॉन्ट सेट कर सकते हैं, जैसे हमें पता है क्या कि कई बार क्या होता है कि हमें अब यहाँ 2007 आ गया, इसमें तो सारा का सारा वही आ रहा है, क्या नाम है, कैलिब्री आ रहा है, मैं तो एरियल का यूजर हूं, मुझे तो एरियल चाहिए और फॉन्ट 12 का चाहिए, इसमें 11 दिखा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे, यहां से जो है हम एरियल सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग होगी और सब में एप्लीकेबल होगी, पूरे एक्सेल में, कोई एक फाइल पे नहीं, किस व्यू में, पेज ब्रेक में, पेज लेआउट में, कितनी शीटें होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप जब शीट खोले तो उसमें तीन ही नई शीटें बन के आए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी रखना चाहते हैं, पांच भी रख सकते हैं। ये कह रहा है कि क्विट करो और रिस्टार्ट करो एक्सेल को, मैं एक बार ट्राई करता हूं, इसको भी मुझे बंद करना पड़ेगा मेरी फाइल को। अब यहां पे देखिए आपका एरियल 12 का, एरियल का और 12 का फॉन्ट हो गया, नई शीट मेरी पांच शीटें आ रही है जैसा कि मैंने डिफॉल्ट सिलेक्ट किया था। तो इसमें आगे चलते हैं फॉर्मूलाज में। अब इसमें क्या होता है, कई बार हमारा 1 2 3 4 या उसकी जरूरत पड़ती है, या हमें कई बार हो जाता है इस तरह से हो जाता है, एबीसीडी में हमें नहीं चाहिए, 1 2 3 4 में अपने कॉलम, अपने कॉलम को 1 2 3 में बदल सकते हैं, इसको कहते हैं Row 1 C1 कॉलम, Row 1 C1 रेफरेंस। ये ऑप्शन हमारा इधर होता है फॉर्मूलाज में, R1 C1 जब चेक होता है तब होता है। अब मैम सारे
कई बार क्या होता है मैम कि जैसे हमारे पास कुछ डेटा होता है, कई बहुत बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं, और खोलते हैं तो यहाँ पे लोडिंग सी दिखाता रहता है, या ज्यादा फॉर्मूले होते हैं, कैलकुलेशंस होती रहती हैं, बहुत देर लगती है उसको खोलने में। तो उसमें क्या होता है कि ये जो हमारी कैलकुलेशंस होती है ना, फॉर्मूले की कोई भी कैलकुलेशन, जितने ज्यादा फॉर्मूले लगे होंगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन टाइम लेगा। बड़ी बड़ी फाइलों में कई बार हमें खोलने में दिक्कत होती है, तो हम यहाँ से मैनुअल उनकी कैलकुलेशन जो है वो ऑफ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं जब हम चाहें, तो वो टाइम सेव करती है। हालांकि आपको वैसे नहीं पता पड़ेगा, पर बहुत बड़ी फाइलों के खुलने में जिसमें फॉर्मूले और मैक्रोस का काम हुआ है उसमें ये चीज दिखेगी। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप जो फॉर्मूलाज की कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक देना चाहती हैं, मैनुअल देना चाहती हैं। ठीक है जी, बैकग्राउंड एरर चेकिंग हमारे पास ऑप्शन है, वो क्या करता है, सपोज मैंने इस तरह से कुछ नंबर डाल दिए, हम क्या करते हैं, ए कोटेशन मार्क का यूज करते हैं किसी नंबर में जीरो पुट करने के लिए, हालांकि वो कह रहा है नंबर के आगे जीरो नहीं होता है, वो ही बताना चाह रहा है, इस कारण हमें एरर दे रहा है, नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट, टेक्स्ट की तरह ये पूछ रहा है नंबर में कन्वर्ट कर दूं। हम कहते हैं नहीं, इग्नोर एरर, पर एरर जो आई वो हमारी इसकी वजह से आई, जो हमारा फॉर्मूला के अंदर होता है, इनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं उसका, लाल कलर में जो हमारा नोटिफिकेशन है वो लाल कलर की आनी चाहिए, इग्नोर करने से इग्नोर हो जाएगी, और बाकी हम और भी सेटिंग कर सकते हैं कि इसको चाहे तो एरर आए ही ना, जो जो यहाँ पे चेक्ड है उनको अनचेक्ड कर दीजिए, आपकी एरर ये भी नहीं आएगी। R1C1 स्टाइल से ही कर देते हैं, कई बार क्या होता है कि इसमें से कुछ चेक रह जाता है, और जो आप कर रहे हैं उसको बड़े ध्यान से करें, नहीं तो एक्सेल आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक आधा हमारे से ऑप्शन चेक हो गया तो हम वही ढूंढने में लगा देंगे कि वो कौन सा ऑप्शन था जिसकी वजह से हो रहा है। कई बार क्या होता है हमें लिखना पड़ता है इस तरह से, पर क्या करते हैं हम जब भी एंटर मारते हैं तो ये तो आर रजिस्टर्ड में चेंज हो गया, अब हमें लिखना वैसे है, इसके लिए बहुत मगजमारी हो जाती है, क्या करूं इसके लिए, ऐसे करूं, अलग अलग तरह के ऑप्शन बट ज्यादातर फेल हो जाते हैं, तो वो इसके जवाब आपको यहाँ मिलते हैं। जैसे हमारा कई बार होता है सी कॉपीराइट में चेंज हो जाता है, यहां से ये चीज आपको कभी परेशान करे तो आप यहाँ पे एक्सेल ऑप्शंस में चले जाइए, प्रूफिंग में आ जाइए, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे रिप्लेस एज यू टाइप को अनचेक कर दीजिए। यहाँ हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स है ना, ये उसमें ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है जैसे ही आप टाइप करते हैं, आप चाहे तो इसको अनचेक कर दीजिए, अब आप इस तरह के काम कर सकते हैं। ठीक है जी, उसमें एरर नहीं देगा, और देखते हैं और क्या चीज है हमारे लिए इसमें। कई बार क्या होता है हम लोग कोई मेल आईडी लिखते हैं या कोई साइट का नाम लिखते हैं, अब ये चेंज हो गया हाइपरलिंक में, अब इसको मैं एडिट करने जाऊं या तो मैं ऊपर से करूं या तो यहाँ पे F2 प्रेस करके करूं, और अगर मैं वैसे कोशिश करूंगा तो इस पे क्लिक हो जाएगा और ये गूगल खोल देगा या जिसका लिंक होगा वो खोल देगा। तो मैं चाहता हूँ ये लिंक कन्वर्जन ना हो, ईमेल कन्वर्जन ना हो, इस तरह से कन्वर्ट ना हो,
ये भी आपको यहीं पे मिलेगा प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन में, इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ्स विद हाइपरलिंक, इसको अनचेक कर दीजिए। अब नहीं चेंज हो रहा। नहीं चेंज हो रहा। इस तरह से हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं प्रूफिंग के। एक मैंने आपको बीच में एक एडिट कस्टम लिस्ट है हमारे पास। कुछ क्या होता है हमारे पास, कई बार क्या होता है हमारे पास बहुत सारी चीजें आती है, जैसे ये देखिए नाम मैंने लिखा, ये अलग अलग नाम आ गए मेरे पास, मैंने जो पहले से फीड कर रखे हैं, जो जनरल मैं यूज करता हूँ उनको मैं इस तरह से फीड करके अपने पास लिस्ट में रख सकता हूँ। जैसे मुझे ये लिस्ट फीड करनी है कोई भी आइटम की, मैं एक्सेल ऑप्शन में जाऊंगा, एडिट कस्टम लिस्ट, यहाँ पे मैंने जैसे ये फीड कर रखी है, ये बस मैं उसमें पहली वैल्यू टाइप करूंगा, ड्रैग करूंगा, या मिडल की कोई भी करूंगा उसको ड्रैग करूंगा, बाकी वैल्यूज उसके नीचे आ जाएंगे ऑटोमेटिक। कोई हमें लेनी हो तो हम इम्पोर्ट कर सकते हैं, देन ऐड करेंगे यहाँ पे आ जाएगी, ओके करेंगे अपने पास सेव हो जाएगी। अपने पास ऐसी जो आपकी डेली रूटीन की लिस्ट होती है, बैंक नेम हो गए अगर अकाउंट्स में काम करते हैं, चेक बैंक अकाउंट नंबर हो गए, बैंक नेम्स हो गए, डिपार्टमेंट नेम हो गए, अलग अलग तरह का अपने जरूरत के अकॉर्डिंग वो चीजें हम तैयार कर सकते हैं जो हमें डेली रूटीन में जरूरत होती है, इससे हमारी वर्किंग फास्ट होती है। आगे चलते हैं इसमें। यहां पे मैंने लिखा बुक, इसका ऑप्शन हमारे पास ये ऑप्शन चेक होता है। क्या होता है जब हम वैल्यू गलत लिखते हैं, पहले तो एरर दिखा नहीं रहा है, मेरे में भी सेटिंग में कुछ अनचेक पड़ा होगा। इसमें क्या होता है मैम, कई बार हमारा जो होता है जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो अपर केस में नहीं चेक करता है। हम कई बार अपर केस में लिखते हैं, हम चाहते हैं कि अपर केस में भी चेक करें, तो उसके लिए हम ये इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस जो होता है हमारा, अगर चेक रहेगा तो वो अपर केस इग्नोर कर देगा, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं ठीक करेगा। तो ये अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेस, उनकी स्पेलिंग मत चेक करो, इग्नोर वर्ड्स दैट कंटेन नंबर, वर्ड में नंबर है उनको मतलब चेक करो। तो इस तरह से कुछ इसमें ऑप्शन है, मोस्टली हमें कई बार इसकी जरूरत पड़ती है, इग्नोर वर्ड इन अपर केस। सेव में आते हैं, इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे मैंने बताया था बड़ी फाइल होती है कोई, सेव होने में ज्यादा टाइम लगाती है, तो उसका हम एक ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, सेव होती रहती है हमारे पास, हर 10 मिनट में ये उस फाइल को सेव करता रहता है। तो ज्यादा बड़ी फाइल है, बार बार हर 10 मिनट में सेव करेगा तो हमारा सिस्टम हैंग करने लगेगा। आप चाहते हैं कि इसको ना करें तो इसमें से टाइम बढ़ा सकती हैं, हटा सकती हैं। आप सेविंग फाइल फॉर्मेट क्या होना चाहिए हमारा, हमारा कई बार क्या होता है, पहले जब शुरू शुरू में 2007 आया था तो हमारे पुराने फॉर्मेट 2003 वाले से सपोर्टिंग नहीं था, उसका एक्सेल एक्स था, एस था, इसका एक्सएल एस एक्स फॉर्मेट था। तो हमें कन्वर्जन हमेशा हर बार इसको ध्यान में रखते हुए सेव करते टाइम यहाँ से हमें चेंज करनी पड़ती थी 97। तो ये डिफॉल्ट फॉर्मेट जो सेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन है,
सेव का ऑप्शन है, यहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं उसको। जो ऑटो रिकवर होती है, जो फाइल आपकी सेव होती है, ऑटो रिकवर मतलब आप काम करते करते लाइट चली गई, कुछ भी हो गई, बंद हो गई, तो एक्सेल के साइड में दो ऑप्शन दिखा देता है ना, वो फाइल हमारी कहाँ सेव पड़ी, वो फाइल की लोकेशन यहाँ सेट होती है। आप इसको मनचाहे अपने यूज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं कि आप ये कहाँ सेव होनी चाहिए। ये एक्सेप्शन है कि किस बुक में आप छुड़वाना चाहते हैं कि इसमें ऑटो रिकवर हमें नहीं चाहिए, दिस वर्क बुक ओनली। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एडवांस में हम एंटर प्रेस करते हैं तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि एंटर प्रेस करने पर डाउन जाता है तो यहां सेट होती है। हम कोई नंबर, कई बार ये क्लिक होता है, हम नंबर डालते हैं, अपने आप 2 डेसिमल पॉइंट हो जाते हैं, वो इसकी चेकिंग की वजह से होता है। कई बार क्या होता है मैम, ये छोटा सा निशान है, अब मुझे यहाँ से ये, मैं अपनी लिस्ट को जब तक ये निशान दिख रहा है तब तक तो मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ, पर एक इनकम टैक्स वाली फाइल होती है हमारे पास, जिसको क्या बात है, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भरते हैं, तो वो उसमें कुछ ऐसा मैक्रो है जो इसको डिसेबल कर जाता है, ये आपको दिखाता ही नहीं है उसका ऑप्शन, ये यहाँ से ऑप्शन हट जाता है, इनेबल फिल हैंडलिंग सेल ड्रैग एंड ड्रॉप का, यहाँ पे कुछ नहीं आता। लोग इसमें परेशान होते हैं, कई बार एक्सेल तक बदल डालते हैं। बेसिकली ये सिर्फ एक ऑप्शन है एडवांस के अंदर हमारे, इनेबल फिल हैंडलिंग का। तो ऐसे छोटे छोटे ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे भरे पड़े हैं जो हमें कई बार उसमें आते हैं, जैसे ग्रिड लाइन का कलर हो गया, मैं चाहता हूँ रेड ग्रिड लाइन दिखाना, ओके नहीं किया लगता है। फॉर्मूला एडवांस ग्रिड लाइन कलर, या मेरा ग्रिड लाइन का कलर चेंज हो गया, अपने हिसाब से मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ, या कभी गड़बड़ हो जाए तो उसको ठीक कर सकता हूँ। अब डेट फॉर्मेट, 1904 डेट फॉर्मेट का कई बार गड़बड़ हो जाता है, हम लोग जो डेट डालते हैं ना कई बार ऐसे डालते हैं 1 जनवरी 13, अब ये 13 क्या है, 2013 में है, तो उसको वो कैसे समझेगा, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो 1900 के 13 समझ लेगा, वो उसको बताना पड़ता है कि आपको कौन सा फॉर्मेट लेके चलना है। अगर 1904 पे कर दूंगा तो वहाँ, या गलती से क्लिक हो गया तो 1900 की ही डेटें लेने लगेगा और दिखाएगा 13, पर वो 1900 में होगा। तो इसी तरह कुछ ऑप्शंस हम अपना कल आगे कंटिन्यू करेंगे इसी टाइम पे, बाकी बचे हुए ऑप्शन, और थोड़ा सा आगे और भी चीजें नई नई देखेंगे और क्या क्या हो सकता है हमारे पास इसमें। ठीक है जी, अच्छा किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू संदीप सर, थैंक यू। ओके ठीक है सर, कल मिलते हैं फिर, हेलो कल इसी टाइम पे। हाँ जी सर, हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ जी हेलो, हेलो, हाँ जी बिल्कुल सुन पा रहा। हाँ जी परेशान किया, योगेश जी मैं सुन पा रहा हूँ, आप बताइए। नहीं सर, मैं आपको नहीं कह रहा था, मैं बेटे से बात कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, तो सेशन एंड करते हैं आज का, तो बाकी कल मिलेंगे इसी टाइम। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी बताइए। हेलो,
हाँ जी बताइए। हाँ संदीप जी, अशोक बोल रहा हूँ। अशोक जी हाँ जी बताइए सर। हाँ सर, ये जो अपने कुछ नाम के वो रहते हैं, आप कहते हैं कि सेव कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ नई चीजें, नाम वगैरह जो मैंने सेव किए ना यहाँ पे, ये मैंने कुछ एक लिस्ट बना ली, जी, इसको सिलेक्ट किया, एक्सेल ऑप्शन में गए, ओके, यहाँ पे हमारे पास एडिट कस्टम लिस्ट है, इसमें जाएंगे, इसको यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे, और नहीं अगर नहीं सिलेक्टेड है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे दिखा नहीं रहा फिलहाल, इंपोर्ट कर लेंगे, दिखा नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा सर इसमें, नहीं चल नहीं रहा ना आपका, चल नहीं रहा, अच्छा रुका हुआ है आपके पास, रुका हुआ दिखा रहा है, आवाज तो आ रही है, तो इसका मतलब कुछ कोई बात नहीं है, आपको वैसे भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसके इसकी आपको, उसमें क्या होता है कस्टम लिस्ट को आप देख लीजिएगा, मेरे पास भी रुका हुआ है। अच्छा आपके पास भी रुका हुआ है, हो सकता है सॉफ्टवेयर का ये कुछ इश्यू हो, नहीं सर मेरे पास तो चलता हुआ दिख रहा है। हाँ तो मेरे पास चलता है, आप क्या करते हैं पहले कस्टम लिस्ट में टाइप करके उसके बाद इंपोर्ट करते हैं। हाँ जी कस्टम, जैसे हमने कुछ भी अपना टाइप कर लिया, ये आपको एक लिस्ट बना ली, उसको एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे, एडिट कस्टम लिस्ट है हमारे पास, यहाँ अगर आपका सिलेक्टेड है तो यहाँ पे आपके रेंज आ जाएगी, इंपोर्ट करते ही आपका ये जो है इसमें आ जाएगा, अभी ये ऑलरेडी ये इस कारण नहीं आ रहा है। अच्छा इंपोर्ट कर रहे हैं, नहीं आ रहा है। ऐड करेंगे इसमें ऐड हो जाएगा, कुछ नया करते हैं, ये तो पहले से ही है इसलिए हो सकता है नहीं आ रहा है, ए बी सी डी डी बी सी डी, एक्सेल ऑप्शन में गए हम, ये यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, एक्सेल ऑप्शन में गए, यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट आ गई, इंपोर्ट किया, ये एबीसीडी आ गया, ऐड कर दिया, बस ओके कर दिया, ओके कर दिया, अब मैं कभी भी इनमें से कोई भी चीज अगर टाइप करता हूँ और उसको ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे पास इसमें आने लगेगी, ठीक है जी, थैंक यू संदीप जी, ओके सर, तो सेशन, हाँ जी, थैंक यू संदीप जी, ठीक है सर, तो मैं सेशन एंड करता हूँ सर, नेक्स्ट बैच इज वेटिंग, ठीक है जी, कल मिलता हूँ, हेलो, हाँ जी, हेलो, थैंक्स, हाँ जी, संदीप जी, हाँ जी, कल किस टाइम होगी? कल 9 बजे हो जाएगी, ठीक है जी, हेलो, हाँ जी, थैंक यू संदीप जी, ओके सर, ओके सर, करना पड़ेगा। मैं आपको आगे से ना मैसेज किया करूंगा, जो जो भी है वो मैं आपको वैसे मैसेज कर दिया करूंगा, जो मीटिंग आईडी होती है। हाँ जी हेलो, आप फोन पे बात कर सकते हैं सर, उसमें कोई नहीं, आप कॉल की कॉल कर लीजिए, इसमें अगर प्रॉब्लम, कल कल 9 बजे ही मैं आई विल मैसेज यू, ठीक है ना, मीटिंग आईडी गुड नाइट, गुड नाइट, कल भी स्टार्ट होगा कल, हाँ जी हाँ जी, गुड नाइट, गुड नाइट।